हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे पास लावा का फ़ोन है, तो लावा मॉडल नंबर A1। इसका अंदर अभी एयरफोन का प्रॉब्लम आ चुका है, मतलब एयरफोन का जो सिग्नल होता है, सिंबल होता है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो। और मैंने ऑन करके भी दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं एयरफोन का जो सिंबल होता वो यहाँ पर आ चुका है। और जो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका है यूट्यूब पर, एंड मैंने आपको एक सही तरीका बताऊंगा आप इजीली कैसे रिपेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो कोई भी एयरफोन जैक नहीं है, फिर भी यहाँ पे एयरफोन का जो सिंबल है वो आ चुका है। ये जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा तरीके से वाटर डैमेजिंग हुआ तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर मोबाइल ओवर हीटिंग का इशू है तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रॉब्लम की वजह से होता। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, मैंने पहले से ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा है, एंड फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एयरफोन का सिंबल अभी है, तो इसको कैसे रिमूव करना आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड बहुत सारे लोगों ने गलत तरीका बताया, और वो भी मैंने आपको बता देता हूँ कैसे करना है, और कैसे करता है वो लोग वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एंड कैसे करना है सही तरीका वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सब खोल देता हूँ, एंड खोलने के बाद यहाँ पर देख सकते मैंने एक एक करके खोल दूँ, एंड इसके ऊपर जो स्टिकर लगे हुए उस स्टिकर को रिमूव करना पड़ेगा पीछे के साइड से। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसको ऊपर की तरफ से प्रेस करना है, एंड आपकी जो मदरबोर्ड है वो पैनल से बाहर आ जाएगा। एंड नॉर्मली आप जैसे खोलते हो, आपको कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ज़्यादा तरीके से स्मार्टफोन को खोलना थोड़ा रफ़ होता है, कि कीपैड को खोलना ईजी रहता है। तो आप देख के एक अंदाजा करके आप इसको खोल दो, खोल जाएगा। और उसके बाद अगर आपने दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करो, आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहता है, एंड इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते मैं इसको खोल रहा हूँ, पीछे का जो स्टिकर होता है उस स्टिकर को रिमूव करना पड़ेगा, और स्टिकर को रिमूव करने के बाद ये बाहर आ जाएगा, ये देख सकते हो। और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको रिमूव करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला स्टिकर इस मदरबोर्ड से अटैच्ड रहता है, तो इसलिए इसे आपको रिमूव करना पड़ेगा। एंड स्टिकर को कंप्लीट रिमूव मत करो, ठीक है। तो अगर बाद में सॉफ्टवेयरिंग का इशू होगा तो इसको चेक करना, मॉडल नंबर, EMI नंबर, ये सब चेक करने का प्रॉब्लम नहीं रहता, इसीलिए मैं आपको स्टिकर को पूरा मत खोलो, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फिर से आपको ऑन करके दिखाता हूँ अभी इसके अंदर एयरफोन का सिंबल है क्या नहीं। एंड दोस्तों देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर जो भी लोग फॉलो नहीं करते, और लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं एयरफोन का जो सिंबल है वो अभी भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको खोलने के बाद आपको करना है एयरफोन का जो जैक होता है उसका मतलब उसका सराउंडिंग जितने भी कैपेसिटर है वो थोड़ा PC वाटर से क्लीन करना है। एंड यहाँ पर देख सकते एयरफोन का साइड में एक ब्लैक कलर का कैपेसिटर है, तो शायद वो थोड़ा फाइट आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा देता हूँ। एंड ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगी हुई है ब्लैक कलर का, तो ये वाला आप देख सकते हैं ये थोड़ा फाइट आ चुका है, मतलब कि यहाँ पे वाटर डैमेजिंग हुआ। और बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट पर भी आप देख सकते हैं वाटर डैमेजिंग का इशू देख रहा। एंड इसको अभी क्या करना है, IPA वाटर से इसको क्लीन करना है, कि आप जो भी वाटर यूज़ कर सकते हो मोबाइल फ़ोन को क्लीन करने के लिए, आपके पास कौन सा वाटर है वो लिक्विड या लिक्विड भी बोल सकते हो, वाटर भी बोल सकते हो, वो आप यूज़ कर सकते, आप उसको यूज़ करके इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा सबसे पहले। एंड यूट्यूब पे यार इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखा है मैंने, एंड लोग क्या करते जो एयरफोन का जैक होता आगे पीछे जितने भी कैपेसिटर होता वो एक एक करके रिमूव करके देखता कि हाँ एयरफोन का सिंबल गया क्या नहीं, तो ऐसा करना गलत है, ठीक है। तो किसी भी कैपेसिटर को रिमूव करने से या उसको टूटने से ये सब नहीं करना, ठीक है। तो क्या होता है उससे कि हमारा मदरबोर्ड होता है वो ख़राब होने का चांसेस रहता है, मदरबोर्ड तो ख़राब नहीं होता कि और ओवर हीटिंग का इशू आना शुरू हो जाता बाद में, ठीक है। तो इसीलिए आपको किसी भी कैपेसिटर को खोलने से पहले तो उसको क्लीन करो। अभी देखो एक कैपेसिटर ब्लैक कलर का जो वाइट आ गया था, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले उसको क्लीन करना है अच्छी तरीके से, किसी भी वाटर हो आपको मदरबोर्ड क्लीन करने का तो आप उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना। आप देख सकते हैं मैंने क्लियर कर दिया, अभी कोई भी वाइट का इशू नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर, आप देख सकते हैं मैंने क्लीन करने के बाद अभी ये
क्लीन हो गया, ठीक है। तो चालू है क्या नहीं अभी हम उसको ओपन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बैटरी लगा के मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, अभी ये क्लियर हो चुका है। एंड बैटरी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि एयरफोन का जो सिंबल है वो हटा गया नहीं हटा, ठीक है। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ। एंड इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, उस कमेंट्स को रिप्लाई भी दूँगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन को ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अभी कोई भी एयरफोन का सिंबल नहीं है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते कोई भी एयरफोन का सिंबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप क्लीन करने के बाद भी अगर आपकी जो एयरफोन का सिंबल नहीं गया तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्लीन करने के बाद भी एयरफोन का सिंबल नहीं गया तो क्या करना है, तो अभी देख सकते मैंने क्लीन किया, एयरफोन का सिंबल तो गया। क्लीन करने के बाद भी आप जितने भी IPA वाटर से क्लीन करो, क्लीन करने के बाद भी एयरफोन का सिंबल नहीं गया क्या करना है, तो एयरफोन का जैक होता है ना उसका सराउंडिंग जितने भी कैपेसिटर है वो अच्छी तरीके से चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिमूव करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी देख सकते यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर लगे हुए तो उस कैपेसिटर के ऊपर आप थोड़ा सा पेस्ट लगाइए, ठीक है। सोल्डरिंग पेस्ट लगा के थोड़ा सा उसको हीट कर दो, ठीक है। थोड़ा सा सराउंडिंग हीट कर दो, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा, ठीक है। 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो क्लीन भी किया, क्लीन करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, और हीट करके भी देखा अपने सोल्डरिंग पेस्ट लगा के उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको करना क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी का प्लस पॉइंट से लेके, तो मैंने आपको पहले दिखाया एयरफोन का जो फर्स्ट पॉइंट होता उस पॉइंट से बैटरी का प्लस पॉइंट पे एक जंपर लगा देना। मैं आपको उसको इमेज में दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक जंपर लगा देना, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया, अभी प्रॉब्लम जो था वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो एंड मैंने आपको फिर से ऑन करके दिखाऊँगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाला हमारा वो भी मैंने आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा है, टेक्नो i3 का हार्ड रिसेटिंग प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो टेक्नो i3 के अंदर अगर हार्ड रिसेट किया तो भी हार्ड रिसेट नहीं हो रहा, फिर भी पासवर्ड पूछ रहा, तो उसका ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है, तो मैंने एडिट करके रखा है, वो ऑलरेडी एडिट हो गया है एंड ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो उसकी नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन तो अभी प्रॉब्लम क्लियर होगा। एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट करके बता देना, एंड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो भी कमेंट करके बता देना। एंड दोस्तों देख सकते हैं ये प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व हो चुका है। एंड दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो का कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।